हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं सुमित आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 28 जुलाई। 28 जुलाई से जो भी जीके के क्वेश्चन बनने वाले थे हम आपके यहाँ ले आए हैं। आज हम देखेंगे 28 जुलाई के जितने भी जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स से, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर दें कि आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन होता है उसके बराबर में उसे आप जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। और फ्रेंड्स, इसके बाद में हम एक आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसका क्विज आपको उसका उत्तर जो है हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उत्तर ज़रूर दीजिएगा, सही हो गलत हो हम उसको अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये करंट अफेयर्स का वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पीपी नल फोनोटाइप नामक अनोखे ब्लड ग्रुप का पता लगाया गया है? तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? पीपी नल फोनोटाइप नामक ब्लड ग्रुप का अनोखा ब्लड ग्रुप पता लगाया गया है। तो ये कौन से राज्य में है? ये है आपका कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में आपका ये अनोखे ब्लड ग्रुप का पता लगाया गया है। नाम क्या है ब्लड ग्रुप का? पीपी नल फोनोटाइप। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें, आप इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। हम आपको जो क्वेश्चन कराते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके साथ ही हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आपको रिविज़न में आसानी होगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस दिन सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंद्रग्रहण दिखाई पड़ा है? तो पूर्ण चंद्रग्रहण जो दिखाई पड़ा है फ्रेंड्स, आपने रात देखा होगा, वो रात यानी कि रात 11:54 से स्टार्ट था, तो हम इसे 27 जुलाई लगाएंगे, नहीं कि 28 जुलाई, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद 28 जुलाई लग गया था, लेकिन हमारा जो चंद्रग्रहण स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हमारा 27 जुलाई को 11:54 पर। ठीक है, 11:54 पर, तो हमारा 27 तारीख थी, तो 11:54 पर हमारा 27 जुलाई, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स घोषणा पत्र में निम्नलिखित में से किस मुद्दे को विशेष रूप से उठाया गया है? तो जो ब्रिक्स देश में अभी सामूहिक बैठक हुई थी 5 देशों की, इसमें किस मुद्दे को विशेष रूप से उठाया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे आपको हम बता रहे हैं कि ब्रिक्स देशों द्वारा जारी घोषणा पत्र में आतंकवाद से निपटने के लिए एक समग्र रुख का आह्वान किया गया है। तो उसके ब्रिक्स देशों के घोषणा पत्र में किस मुद्दे को जो उठाया गया है, वो उठाया गया है विशेष रूप से, वो है आतंकवाद का मुद्दा। तो आतंकवाद को सफाया करने के लिए 5 देशों ने इसकी शपथ ली है। और मैं आपको बता दूँ, ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश आते हैं, वो हैं आपके बांग्ला और रशिया, उसके बाद आता है इंडिया, ठीक है, और उसके बाद है चाइना और एंड में है साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स देशों के 5 देश थे। तो इसमें ब्रिक्स जैसे घोषणा पत्र में आपको आतंकवाद को सर्वोपरि इन्होंने रखा है और उससे निपटने के लिए इन्होंने एक खाका तैयार किया है। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अभूतपूर्व समाज सेवी के लिए रमन मैक्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया है? फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अभूतपूर्व शब्द दिया गया है, तो मतलब इससे पहले जो जिसे भी हमारा ये दिया गया है उसे ये अवार्ड नहीं दिया गया है समाज सेवी कार्य के लिए, रमन मैक्सेस पुरस्कार। ठीक है, तो वो पहला भारतीय होगा किसी को जो समाज सेवी कार्य के लिए रमन मैक्सेस पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा सोनम बांगचुक को ये अवार्ड हमारा यहाँ से दिया जाएगा। ठीक है, सोनम बांगचुक का अभूतपूर्व समाज सेवी कार्य के लिए मैक्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा, सोनम बांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के फुटबॉल रियल क्लब रियल कश्मीर FC के खिलाड़ी BBB बोरुशिया डॉर्टमुंड क्लब में प्रशिक्षण लेने किस देश में जाएंगे? तो ये जाएंगे हमारे जम्मू कश्मीर के युवा जो फुटबॉल क्लब के हैं, वो प्रशिक्षण लेने ट्रेनिंग लेने किस देश में जाएंगे? तो वो हो जाएंगे हमारे जर्मनी में, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी वाला राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टिप्पणी हमने नीचे तैयार किया है, वो देख लेते हैं।
एक कमेंट है, भारतीय जम्मू जम्मू कश्मीर के फुटबॉल क्लब रियल कश्मीर एफसी के खिलाड़ी बीबीबी बेरुशिया डॉर्टमुंड क्लब में प्रशिक्षण लेने जर्मनी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये आप इसे जरूर पढ़ लें। ठीक है, हम इसके पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लें, पीडीएफ हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करें, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें गाइडलाइंस मिलती है उसकी। केंद्र सरकार ने 26 जुलाई 2018 को वोडाफोन इंडिया और किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी के प्रस्तावित विलय को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको क्वेश्चन कल की वीडियो में बताया था, 27 जुलाई की वीडियो में। आज ये वीडियो हम फिर बता रहे हैं आपको। ठीक है, आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। तो ये है वोडाफोन के साथ 26 जुलाई को वोडाफोन और किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी के साथ केंद्र सरकार ने अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड, जो वोडाफोन और आइडिया का जो विलय हुआ है, वोडाफोन और आइडिया का हुआ है विलय, ठीक है, तो किसे मंजूरी दी गई है? आइडिया सेल्यूलर को। वोडाफोन और आइडिया जो है अब एक कंपनी हो गई है। केंद्र सरकार ने 26 जुलाई 2018 को वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर को प्रस्तावित विलय को अपनी मंजूरी दे दी है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन डी वाला इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं फ्रेंड। वैश्विक आशावादी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक सूचकांक में भारत को, आशावादी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपके दे रखे हैं ये है 6, 1, 2 एंड 4। यह सूचकांक ग्रांड ट्रांट, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, सूचकांक क्या होता है। तो ये होता है फ्रेंड, यह सूचकांक ग्रांड ट्रांट थोरटोन द्वारा त्रैमासिक वैश्विक बिजनेस सर्वे के विभाग के रूप में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक व्यापार आशावादी सूचकांक में 6ठे स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए वाला राइट हो जाएगा। भारत कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पर वैश्विक सूचकांक में। ठीक है, आशावादी सूचकांक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भारत की पोषण चुनौतियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो वो हमने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं फ्रेंड्स, ये है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भारत की पोषण चुनौतियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम जो है उसने वर्ल्ड में कौन सा रैंक स्थान वो किया है, रैंक पाया है? तो भारतीय महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने टीम श्रेणी में विश्व नंबर 1 स्थान पर इतिहास रच दिया है। फ्रेंड, बड़ी बात है, भारतीय महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी टीम है उसने पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पाया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे हैं वो पूरे विश्व में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे कुछ इसकी। टीम चाइनीज ताइपे टीम से 6 अंक आगे है। प्रत्येक सदस्य के योगदान के साथ महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने 342.6 अंक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो कि चाइनीज ताइपे को टीम 6 अंक के अंतर से दूसरे स्थान पर रही। यानी कि जो भारतीय टीम है उसे कितने अंक मिले? 342.6, और जो चाइनीज टीम है उसे कितने अंक मिले होंगे? हमारे 336.6, क्योंकि उसे 6 अंक जो है हमारी चाइनीज टीम पीछे छोड़ दी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, फिर 10 की बात करते हैं। यहाँ पर HCL टेक्नोलॉजी ने भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT सेवा फर्म के रूप में किसको पीछे छोड़ दिया है? ठीक है, HCL आप जानते हैं कि एक उसकी कंपनी है जो कि वो बनाती है लैपटॉप वगैरह हैं। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने पिछले 3 महीनों में भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी के रूप में विप्रो लिमिटेड को पीछे छोड़ दिया है। 6 वर्षों में देश की 167 बिलियन डॉलर सूचना प्रौद्योगिकी IT आउटसोर्सिंग उद्योग के शीर्ष क्रम में है पहला बदलाव देखा गया है। तो कौन सी को पीछे छोड़ा है? वो छोड़ा है HCL ने विप्रो को पीछे छोड़कर, वो कंपनी जो है तीसरे नंबर की बन गई है HCL। तो HCL ने किसे छोड़ा है? विप्रो को। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर है वो सी वाला राइट हो जाएगा, विप्रो। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा,
फॉर्चून की 40 युवा प्रभावशाली लोगों की सूची में, फॉर्चून की 40 युवा प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय मूल के कितने लोग शामिल किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, फॉर्चून की सूची थी 40 अंडर 40 फॉर्चूनर में, तो वो उसमें फर्स्ट स्थान कैसे मिला था, हम फर्स्ट देख लेते हैं। पहले तो उसे फर्स्ट रैंकिंग मिली थी फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, आपने हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है 27 तारीख के, या वहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 40 वो थे, उसके 40 लोगों की प्रभावशाली सूची जारी की गई थी, उसमें जो पहला स्थान मिला है वो मिला है फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग को। ठीक है, और जो 40 भारतीय हैं, 40 लोगों की सूची में भारतीय कितने हैं ये पूछा गया है, तो 3 महिलाएं हैं भारतीय और 1 जो है पुरुष हैं। 3 महिलाओं समेत भारतीय मूल के 4 लोगों को फॉर्चून की व्यवसाय के क्षेत्र में 40 सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायी युवाओं की सूची में शामिल किया गया है। सभी की आयु 40 वर्ष से कम है। ठीक है, बात करने वाली देखने वाली बात यह है कि सभी की आयु जो है वो 40 वर्ष से कम की है। इंस्टाग्राम के सहसंस्थापक और CEO केविन सिस्टम और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 34 वर्ष को फॉर्चून इंडस्ट्री साझा रूप से प्रथम स्थान पर दिया है। तो फ्रेंड्स, जो मार्क जुकरबर्ग और जो इंस्टाग्राम के संस्थापक है ना, उन्हें पहला स्थान दिया गया है। फेसबुक के और इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं। इंस्टाग्राम संस्थापक कौन है, आपको उनका नाम यहाँ पर आप जरूर देख लें। इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं केविन सिस्टम्स। केविन सिस्टम्स का क्या है, इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं, इनका नाम जरूर आप देख लें, पूछ जा सकता है। तो दोनों ही 34 वर्ष के हैं, इन्हें फर्स्ट रूप मिला, फर्स्ट रैंक मिली है उसमें। तो नाम देख लेते हैं फ्रेंड, जो भारत के लोग हैं वो कौन कौन से इसमें शामिल हैं विश्व की व्यवसाय सूची में। तो पहला है दिव्या सूर्यदेवरा, इन्हें चौथा स्थान मिला है, ये जनरल मोटर्स की CFO हैं। फिर है अंजलि सूद, ये हैं बीमो की CEO हैं। और उसके बाद आते हैं कि बिजुआ, इन्हें 24वें स्थान मिला है, रॉबिनहुड के संस्थापक और CEO हैं। और अंत में आते हैं अनु डुग्गल, ये पुरुष हैं, महिला 32वां स्थान मिला है इन्हें, महिला संस्थापक निधि की संस्थापक साथी हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 4 लोग इसमें 40 लोगों में शामिल किए गए हैं भारत के। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी वाला राइट हो जाएगा, 4 लोग शामिल किए गए हैं 40 लोग भारत के, यानी 10% भारत का शेयर रहा इसमें। आगे देखते हैं फिर, क्वेश्चन इज, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? पहला डिफेंस यूनिवर्सिटी, देखने वाली बात है, डिफेंस यूनिवर्सिटी किस देश में है? फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, हमारी डिफेंस यूनिवर्सिटी पहली जो है वो किस प्रदेश में है, तो वो है हमारी हरियाणा प्रदेश में। तो डिफेंस कौन से में है, डिफेंस यूनिवर्सिटी वो हरियाणा प्रदेश में है। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में विकसित किया गया है। तो हरियाणा का जो गुरुग्राम शहर है, वहाँ पर इसे इसमें यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई गई है। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं, गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम का नाम बदल कर पहले ये गुड़गांव था। ठीक है, और अब ये गुरुग्राम हो गया है, इसका नाम सरकार ने बदल दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको इस प्रश्न का उत्तर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तर गलत हो या सही हो, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन इज, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिक्किम, मिजोरम, हरियाणा और नागालैंड। जो भी ऑप्शन आपका राइट हो, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें बताइएगा। और फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिए। नीचे कमेंट करके आप इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर बताइएगा। और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपका यही हमारे लिए सपोर्ट होता है फ्रेंड्स। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जितना आपसे हो सके अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि वो भी उसे इस वीडियो के क्वेश्चंस को पढ़ पाएँ। और PDF ज़रूर आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं, PDF लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।